दोस्तों, आज ज़्यादातर लोगों के पास सेविंग अकाउंट जरूर होता है और सेविंग अकाउंट खोलने के बाद कुछ गलतियां कर बैठते हैं, फिर उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है और वह बुरी तरह फंस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रीतेश कुमार। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सेविंग अकाउंट खोलने के बाद आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस नहीं आए। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है और अगर आप एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर उस बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो फिर इसकी सूचना बैंक वालों के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। दोस्तों, अगर आपका किसी दो बैंक में सेविंग अकाउंट है और अगर आप उन दोनों बैंक में 10 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो फिर इसकी भी सूचना बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। या फिर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 2-2 लाख रुपया करके 6 बार किसी सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो भी यहाँ पर आपका अमाउंट 10 लाख रुपये से ऊपर हो जाता है, तो फिर इसकी भी सूचना बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। या फिर अगर आप किसी बैंक में 2-2 लाख रुपए करके 10 बार ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर 6 बार करते हैं, मतलब कि आप इस प्रकार से ट्रांजेक्शन करते हैं कि 10 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट टच कर जाता है, तो भी यहां पर बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे दी जाती है और फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेज बढ़ जाते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, तो फिर आपको बताना होगा कि आपके पास उतना अमाउंट कहाँ से आया। अगर आप उतना का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो फिर आप आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दे सकते हैं कि मैं इतना का ITR फाइल करता हूँ, मैंने जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो मेरा व्हाइट मनी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप उतना का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो फिर आपको बताना होगा कि वो अमाउंट आपके पास कहाँ से आया। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब में संतुष्ट कर देते हैं, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे उस अमाउंट पर टैक्स लेता है, फिर दोस्तों आपको गवर्नमेंट को उतना टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि सेविंग अकाउंट खोलने के बाद कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना चाहिए कि फिर आपको भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आए। दोस्तों, मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या फ़ायदे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आपको उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से देख लें। तो दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि सेविंग अकाउंट खोलने के बाद आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, जिसके कि कारण आपको भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।